माय नेम इज़ शिवम अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो हम अपने सॉलिड स्टेट के लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ अवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर सॉलिड स्टेट। नाउ कल हमने क्या क्या लेक्चर में पढ़ लिया था? कल हमने देखा था कि ये स्पेस लेटिस के बारे में पढ़ा था, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। अब आगे फर्दर इसको ही कंटिन्यू हम करने जा रहे हैं। देखिए, स्पेस लेटिस में मैंने आपको क्या बताया था, स्पेस लेटिस में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो 3D अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेस लेटिस। ऐसे एक साइंटिस्ट थे हमारे, ब्रेविस। क्या साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? ब्रेविस। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा स्पेस लेटिस है उसके केवल 14 अरेंजमेंट ही पॉसिबल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकते, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं 14 अरेंजमेंट। और ये 14 के 14 अरेंजमेंट हम बाद में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद वापस से हम स्पेस लेटिस पर आते हैं। तो स्पेस लेटिस मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D में अरेंजमेंट आपका स्पेस लेटिस कहलाता है। तो स्पेस लेटिस का जो छोटा सा पार्ट था उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो स्पेस लेटिस का होता है उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट सेल। अब देखिए, स्पेस लेटिस की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्पेस लेटिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है स्पेस लेटिस की, पहली प्रॉपर्टी ये है स्पेस लेटिस की हमारी कि एवरी पॉइंट इन अ स्पेस लेटिस इज कंसिडर टू बी एन लेटिस पॉइंट। मतलब हर एक पॉइंट जो होगा स्पेस लेटिस में उसको क्या बोलेंगे हम, लेटिस पॉइंट। हर एक पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, लेटिस पॉइंट। मान लीजिए जैसे हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, जितने भी स्पेस लेटिस में हमारे पॉइंट होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, लेटिस पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, सेकेंड पॉइंट इसका ये है, एवरी लेटिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मे बी एटम, मॉलिक्यूल, आयन और ग्रुप ऑफ एटम। मतलब क्या है कि हर एक जो लेटिस पॉइंट होता है, हर एक पॉइंट जो होता है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि लैटिस पॉइंट जॉइन टुगेदर बाई अ स्ट्रेट लाइन गिव द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। मीन्स अगर हम लैटिस पॉइंट को एक लाइन से, वो भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, जितने भी लैटिस पॉइंट ये 3D में हमारे अरेंज हुए हुए हैं उनको अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्पेस लैटिस मिल जाएगा और उसकी ज्योमेट्री पता लग जाएगी कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो ये तो थी हमारी लेटिस पॉइंट के रिगार्डिंग तीन पॉइंट्स जो इसके करेक्टराइज करते हैं इसको, स्पेस लेटिस को हमारे। अब देखिए, स्पेस लेटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जो मैंने अलग से यहाँ पे दिखा रखा है स्मॉलेस्ट पोर्शन, जो वन है ये, जिसमें वन लिख रखा है ये, मैंने 3D में इसको सोच के देखिए, ये होता है हमारा यूनिट सेल। मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लेटिस इज नोन टू बी एन यूनिट सेल। अब देखिए, इस यूनिट सेल को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, क्या ये निकल के आएगा या नहीं आएगा? कल भी मैंने आपको ये समझाया था 3D में। देखिए, ये तो मैंने बोर्ड पे आपको 2D में बना रखा है, 3D में रिप्रेजेंट कर रखा है, बोर्ड क्या है हमारा 2D है, 2D में 3D को रिप्रेजेंट कर रखा है। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये है हमारा एक यूनिट सेल, इस तरीके से हमारा ये यूनिट सेल। आपने क्यूब देखी होगी, डाइस देखा होगा, तो वो भी एक हमारा क्या है, यूनिट सेल। ये हमारा यूनिट सेल है। यूनिट सेल की मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यूनिट सेल में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर होते हैं। इसको बोलते हैं हम एजेस, जो दो एटम को कनेक्ट करती हैं। कितने एजेस होती हैं, टोटल 12 एजेस होती हैं। फेसेस क्या होते हैं, फेसेस होते हैं हमारे इस तरीके से, जो फेस होता है, जो हमारा प्लेनर सरफेस होती है, डेट इज़ नोन टू बी फेस। तो इसमें यूनिट सेल में कितने फेसेस होते हैं हमारे, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस कैसे कैसे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 फेसेस होते हैं हमारे। तो एजेस 12, फेसेस 6, कॉर्नर 8। और अगर मैं इस वाले यूनिट सेल की बात करूं, इसमें हमारे लेटेस्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे, इसमें हमारे लेटेस्ट पॉइंट हो जाएंगे 8, जो कि ईच कॉर्नर में हमारे प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यही हमारा लेटेस्ट पॉइंट है। अब यही हमारा, सॉरी, लेटेस्ट पॉइंट नहीं, यूनिट सेल है।
अब देखिए यूनिट सेल में लेटेस्ट पॉइंट मैंने आपको कितने बताए, 8 लेटेस्ट पॉइंट। अब देखिए यूनिट सेल को भी हम करेक्टराइज करते हैं, दो पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल को करेक्टराइज करने के लिए। पहला पैरामीटर क्या है हमारा, पहला पैरामीटर है उसके अलॉन्ग द डायमेंशन उसको करेक्टराइज कर सकते हैं, दूसरा पैरामीटर है हमारा एंगल से उसको करेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अलॉन्ग द डायरेक्शन, अलॉन्ग द डायमेंशन उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, अलॉन्ग द डायमेंशन उसको ऐसे कैटेगराइज करेंगे। देखिए पहले तो ये बताइए, ये जो हमारा यूनिट सेल है ये 3D में अरेंज है, 3D मतलब 3 डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन कितनी होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं। 3 डायमेंशन कौन कौन सी, एक डायमेंशन तो ये, एक डायमेंशन हमारी ये, और एक डायमेंशन हमारी ये वाली हो गई, 3 डायमेंशन हो गई। मान एक डायमेंशन हमारे द्वारा देखिए, एक डायमेंशन हमारी ये, एक डायमेंशन हमारी ये, और एक डायमेंशन हमारी ये, ठीक है। 3 डायमेंशन होती है, मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या मानेंगे हम इसको, एक्स एक्सिस के अलोंग जो ये लेंथ है इसको बोलते हैं हम एक्सियल लेंथ। एक्स एक्सिस के अलोंग ये एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, ए। वाई एक्सिस के अलोंग हमारी एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, बी। और जेड एक्सिस के अलोंग हमारी एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगी, सी। तो हमारी डायमेंशन से एक पैरामीटर क्या हो गया हमारा, डायमेंशन। तो हम डायमेंशन से एक पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गया हमारा, ए। वाई एक्सिस के अलोंग हमारा क्या हो गया, बी। और जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो गया हमारा, जेड एक्सिस के अलोंग हो गया हमारा सी। क्या हो गया ये हमारा, क्या बोलते हैं ए बी सी को, एक्सियल लेंथ। अब दूसरी बात आती है, हम किस पैरामीटर से, दूसरा पैरामीटर क्या है हमारा, दूसरा पैरामीटर है हमारा इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल मतलब इनके डायमेंशन के बीच का जो एंगल है। अब देखिए इंटरफेशियल एंगल किस तरीके से बन सकता है, देखिए डायमेंशन कौन कौन सी बताई मैंने, ए बी सी, तो इनके बीच का ही कोई ना कोई एंगल होगा। एंगल कौन कौन सा, किस किस के बीच बन सकता है, ए बी के बीच बन सकता है, बी सी को ले लीजिए बी सी के बीच बन सकता है, ए सी को ले लीजिए ए सी के बीच बन सकता है। तीन ही एंगल हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, और कोई एंगल हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। और एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा से, बीटा से, और गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम अल्फा से, ए और सी के बीच में जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बीटा से, बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम गामा से। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करना है, बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इसको एक समझने का तरीका है कि एक्स एक्सिस पे उसको ये लेना, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एक्सिस को किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं हम। उसके बाद बात आती है, ये हमने यूनिट सेल का पढ़ लिया, दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला पैरामीटर हमारा एक्सियल लेंथ, दूसरा पैरामीटर हमारा इंटरफेशियल एंगल। उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू पैरामीटर्स, डेट इज इंटरफेशियल एंगल एंड एक्सियल लेंथ, हम क्रिस्टल लेटिस को 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 7 टाइप क्रिस्टल बना सकते हैं, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। दैट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज क्यूबिक, सेकंड इज टेट्रागोनल, थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ इज मोनोक्लिनिक, फिफ्थ इज ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ इज हेक्सागोनल, एंड सेवेंथ इज रोम्बोहेड्रल। अब देखिए ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इनकी एक्सियल लेंथ दी गई है कि इसकी एक्सियल लेंथ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c होगी, इसमें a इज इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, इस तरीके से एक्सियल लेंथ दी गई है। इंटरफेशियल एंगल दिए गए हैं, और ये ब्रेविस स्पेस लैटिस कौन कौन से बनाता है ये दिए गए हैं। अब देखिए इसको बारी बारी से हम समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक क्या है हमारा, क्यूबिक में होता है एक्सियल लेंथ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों जो डायमेंशन हैं वो इक्वल हैं बिल्कुल। कैसे, a b और c, a b और c, ये तीनों डायमेंशन अपने आप में बिल्कुल इक्वल हैं। तो ये जो यूनिट सेल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्यूबिक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, क्यूबिक का, a b और c तीनों बिल्कुल इक्वल हैं। फिर इंटरफेशियल एंगल तीनों के बीच में क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। और एंगल क्या है, 90 डिग्री। देखेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और है भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। एक बार और देख लीजिए, 90 डिग्री
90 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों इंटरफेशियल एंगल इक्वल है और 90 डिग्री के हैं, तो ये हमारा कौन सा यूनिट सेल है, कौन सा लेटिस है हमारा, क्यूबिक लेटिस। और इस क्यूबिक लेटिस में कौन कौन से ब्रेविस पॉसिबल हैं, सिंपल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC मतलब फेस सेंटर्ड, तीन हमारे पॉसिबल है यहाँ पर। तो ये तो हो गई हमारी क्यूबिक की बात, क्यूबिक को अच्छे से समझा आपने। उसके बाद आती है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब दो साइड तो इक्वल होंगी लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, उसकी जो डिस्टेंस है, एक्सियल लेंथ है, वो अलग होगी। और इंटरफेशियल एंगल में देखें तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तीनों बिल्कुल इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। तो चलिए आपको लाइव समझाता हूँ इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा डस्टर। तो देखिए डस्टर में क्या है, डस्टर में हमारी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, एक्सियल लेंथ ये वाली और ये वाली, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन ये वाली एक्सियल लेंथ ये वाली इक्वल नहीं है। तो अगर मैं इसको ए कंसीडर करूँ और इसको बी कंसीडर करूँ, ए इज इक्वल्स टू बी तो हो गया लेकिन सी बड़ी हो गई, तो सी के इक्वल नहीं हुआ। और अगर मैं बात करता हूँ इंटरफेशियल एंगल की, तो इंटरफेशियल एंगल देखिए, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, और तीसरे वाले के बीच में भी 90 डिग्री, तीनों में 90 डिग्री एंगल आ रहा है, तो तीनों का इक्वल एंगल हो गया। तो ये कौन सा हुआ हमारा, टेट्रागोनल। आई बात समझ। उसके बाद आती है ब्रेविस स्पेस लैटिस। इसमें सिंपल प्रिमिटिव बन सकता है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बन सकता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, तीनों के तीनों ही इक्वल नहीं होती हैं और इसमें तीनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ये हमारे ऑर्थोरोम्बिक होता है। ब्रेविस स्पेस लैटिस आपका, ब्रेविस स्पेस लैटिस आपका, इसमें चार पॉसिबल हो सकते हैं। चार कौन कौन से, सिंपल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ये चारों हमारे इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसे ही हमारा मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी लेकिन अल्फा गामा इक्वल होगा, बीटा 90 डिग्री का इक्वल नहीं होगा। इसमें कौन कौन सा आता है, सिंपल प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। उसके बाद हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में तीनों ही हमारे इक्वल नहीं होंगे, एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल भी हमारा इक्वल नहीं होगा और वो 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ इसमें एक बन पाएगा, सिंपल प्रिमिटिव। उसके बाद आता है हमारा हेक्सागोनल। देखिए हेक्सागोनल में क्या है, हेक्सागोनल में हमारा ए इज इक्वल्स टू बी तो होगा लेकिन सी के इक्वल नहीं होगा वो, इसमें अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा और गामा किसके इक्वल होगा, 120 डिग्री के। इसमें कौन सा ब्रेविस लैटिस बनता है, सिंपल प्रिमिटिव। ऐसे ही हमारा रोम्बोहेड्रल होता है। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होता है, लेकिन वो 90 डिग्री के एंगल के इक्वल नहीं होता, वो किसी और एंगल के इक्वल होता है। इसमें कौन सा ब्रेविस लैटिस बनता है, सिर्फ सिंपल प्रिमिटिव। तो इस तरीके से हमारे ब्रेविस लैटिस कितने पॉसिबल है, 14 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है। आइए इनको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 14 अरेंजमेंट ब्रेविस लैटिस के हमारे पॉसिबल हैं। उसके बाद बात यह है कि स्टूडेंट आपको ये लर्न कैसे करना है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस चीज़ को लर्न कैसे करें। तो ये मैंने अपने चैनल इंट्रोडक्शन में भी आपको बता दिया कि आपको जो चीज़ बहुत हार्ड है, हार्ड टू लर्न है, उसके लिए आपको ट्रिक की अप्रोच दी जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसके लिए ट्रिक क्या है। देखिए 7 क्रिटिकल सिस्टम जो है, इसको लर्न करने की ट्रिक है हमारी क्यूट अवर मदर। अच्छा बताइए, हम सबकी मदर क्यूट होती हैं, नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं हमारी मदर। क्यों, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखती हैं, हर चीज़ का हमारा ख्याल रखती हैं, किस चीज़ को हमें ज़रूरत पड़ती है उसको कहने से पहले ही हमारे आगे रिप्रेजेंट कर देती हैं। उसको बाद उसके बाद हमारी मदर जो है, अगर हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होती हैं, हम खुश होते हैं तो वो भी खुश होती हैं, तो कितनी क्यूट होती हैं हमारी मदर। तो ठीक है, वापस से हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्यूट अवर मदर। तो देखिए इससे कैसे याद करेंगे, सी यू मतलब क्यूबिक, टी मतलब टेट्रागोनल, ओ यू मतलब ऑर्थोगोनल, ओ यू आर मतलब ऑर्थोगोनल, एम ओ मतलब मोनोक्लिनिक, टी मतलब ट्राइक्लिनिक, एच ई मतलब हेक्सागोनल, आर मतलब रोम्बोहेड्रल। कितना आसान है याद करना इसको, क्यूट अवर मदर से सारे हमारे साथ के साथ 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारे आसानी से लर्न हो गए। अब बात आती है एक्सियल लेंथ की, एक्सियल लेंथ को कैसे याद करें, ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो एक्सियल लेंथ भी कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, इससे भी इसको भी हम बिल्कुल ट्रिक से याद करने वाले हैं।
ट्रिक क्या है हमारी, 0122। अब 0122 क्या है बच्चों, 0122 है हमारी, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, इसमें कोई भी कट नहीं है, तीनों इक्वल है, तो इसका क्या आ गया हमारा, जीरो। आई बात समझ, इसमें देखिए ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, एक कट आ गया हमारा, तो इसका क्या आ गया, वन। आई बात समझ, इसमें कितने कट आ गए, दो, तो इसका क्या आ गया, टू। इसमें कितने कट आ गए, दो, तो इसका क्या आ गया, टू। तो क्या हो गया, 0122। अब आप कहेंगे आगे क्या, तो आगे ऐसे, अब नीचे से हम चलते हैं, नीचे कितने कट हैं, एक भी कट नहीं है, तो ज़ीरो। ऊपर ऊपर वाले में इसमें कितने कट हैं, एक कट है, वन। इसमें कितने कट हैं, टू, टू। तो ऊपर से अगर देखेंगे हम, तो ऊपर से क्या आ रहा है, 0122। और अगर नीचे से भी देखेंगे, तो नीचे से भी क्या आ रहा है, 0122। तो कैसे याद करेंगे एक्सियल लैंग को, 0122 या 0122। कितना आसान हो गया हमारा ये एक्सियल लैंग याद करना, सिर्फ आपको याद रखना है एक्सियल लैंग के लिए 0122। उसके बाद बात आती है इंटरफेशियल एंगल। देखिए इंटरफेशियल एंगल भी याद करना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, इसको हम याद करेंगे ट्रिक से। देखिए शुरू के तीन जो हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, मतलब क्यूट अवर, इसको याद रखेंगे इंटरफेशियल एंगल में, तीनों हमारे इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, तीनों ही अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं, किसके, 90 डिग्री के। उसके बाद बात आती है, हाँ मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए इसमें मोस्ट सिमेट्रिकल जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, क्यूबिक सिस्टम हमारा मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ए बी सी भी तीनों इक्वल होते हैं और अल्फा बीटा गामा भी तीनों इक्वल होते हैं, वो भी 90 डिग्री के, तो ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम होता है। और बात करें कि सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है हमारा ट्राइक्लिनिक, मतलब ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होते, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं होते, वो भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, तो ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम हो जाता है। ठीक है, वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इंटरफेशियल एंगल मैंने आपको तीनों का बता दिया, ये तीनों शुरू के क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे और 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ये तीन तो हमें ऐसे याद हो गए। अब बात आती है फोर्थ की, मोनोक्लिनिक अभी छोड़ दीजिए, ट्राइक्लिनिक देखिए। ट्राइक्लिनिक आपको मैंने बताया कि आपको ये याद रहेगा कि वो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है, तो इसका मतलब उसमें कुछ भी इक्वल नहीं होगा, तो इसका आपको याद रहेगा कि अल्फा ना तो बीटा के, ना फिर गामा के, ना 90 के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ही नहीं किसी के। उसके बाद बात हेक्सागोनल को अभी छोड़ दीजिए, रोम्बोहेड्रल देखिए। रोम्बोहेड्रल में क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90। रोम्बोहेड्रल में क्या है, सिर्फ इतना सा फर्क है, अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में इक्वल तो होंगे, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, तो ये भी हमारा इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब बात आई ये जो दोनों हमने छोड़ दिए थे, मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल, तो दो छोड़ दिए थे इसमें हमने, तो किस तरीके से याद करेंगे, दो छोड़ दिए थे मतलब दो ही इक्वल होंगे इसमें, इसमें क्या होगा, अल्फा गामा के इक्वल होगा, इसमें अल्फा बीटा के इक्वल होगा और 90 डिग्री के, और इसमें बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा, इसमें गामा 90 के इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल होगा, 120 के, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब बात आई ब्रेविस स्पेस लैटिस की, ब्रेविस स्पेस लैटिस मैंने आपको बताया क्यूबिक में क्या होता है, सिंपल बी सी सी एफ सी सी, टेट्रागोनल में सिंपल बी सी सी, ऑर्थोरोम्बिक में चारों होते हैं सिंपल बी सी सी एफ सी सी ई सी सी, इस तरीके से ये होते हैं। लेकिन इसको याद कैसे किया जाए, तो याद करने की ट्रिक है आपकी बच्चों 3242111, एक फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर की तरीके से हम इसको याद कर लेंगे 3242111, 3242111, 324211, ये हम फ़ोन नंबर के थ्रू याद कर लेंगे। मतलब कैसे, इसमें कितने हैं, थ्री हैं, क्यूबिक में कितने हैं, थ्री कौन कौन से, सिंपल बी सी सी एफ सी सी, थ्री टू, ये कितने हैं, फोर टू ट्रिपल वन, कितना आसान है, 3242111 कितने हो गए टोटल, 14। अब देखिए थ्री में कैसे, सिंपल बी सी सी एफ सी सी, सबसे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, सिंपल तो सभी में होगा, उसके बाद प्रियोरिटी लगाएंगे हम बी सी सी की, उसके बाद एफ सी सी की, और उसके बाद एंड सेंटर्ड की, तो सिंपल बी सी सी एफ सी सी, सिंपल बी सी सी एफ सी सी ई सी सी,
और इसमें दो हैं, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, सिंपल के बाद बॉडी सेंटर्ड नहीं आएगा, इसमें आएगा एंड सेंटर्ड, बाकी सब ऐसे ही चलेगा। तो कितना सिंपल था, 3 2 4 2 1 1, ये आपको सिर्फ याद रखना है। ये पूरा 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको मैंने ट्रिक से याद करा दिया है मैंने, इसमें आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक की अप्रोच लगाइए और पूरा का पूरा 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके सामने ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही था। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए है इतना ही। डैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। हैप्पी लर्निंग।